भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, बहुत सारी भिंडी की सब्जी यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो है, लेकिन आज जो हम सब्जी बनाएंगे बहुत ही खास सब्जी की तरकारी है और ये इतनी जल्दी बनती है, लगभग कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी लाजवाब स्वादिष्ट सब्जी बनके भिंडी की तैयार हो जाती है। तो ये भिंडी की सब्जी कैसे बनती है आगे देख लेते हैं। तो अगर मेरी बातों में मिठास है, मेरे खानों में स्वाद है, तो मेरा चैनल का नाम है खाने की मिठास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी लिया है, ये लगभग 250 ग्राम भिंडी है। पहले इसको अच्छे तरह से धो लिया है और इसको टिश्यू पेपर की सहायता से या कोई भी किचन टॉवल से आप पोंछ लीजिएगा और इसको पीस से चीरा लगा के देख लीजिए अगर कीड़ा है या नहीं, तो इसको दो भाग में इस तरह से काट लीजिएगा। चलिए अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें 2 चम्मच बेसन शामिल करते हैं और कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे, जैसे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने एक मसाला यूज़ किया है जो आमतौर से सबके घर में ये अवेलेबल रहता है, मैगी का मैजिक मसाला, और ये एक पाउच है, इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1/2 नींबू को हम निचोड़ेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं और डाल के इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मसाला है, हर घर में प्याज रहता है, लहसुन रहता है, हरी मिर्ची रहती है और दही भी रहती है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे लगभग 1 कप हमने दही, फेंटी हुई दही लिया है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, ये ताज़ी दही है। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कली को लेके इसे बारीक चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्ची को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब बनाते हैं। तो अब पहले गैस ऑन करेंगे, एक फ्राई पैन बिठाएंगे और इसमें हम लगभग 4 से 5 चम्मच तेल शामिल करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1/2 चम्मच हम सरसों डालेंगे। सरसों अच्छी तरह से चटकना चाहिए, देखिए कुछ इस तरह से जब सरसों की चटकने की आवाज़ आएगी तब इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे और अच्छे तरह से चटकने के लिए 1/2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे कटे हुए लहसुन के जो टुकड़े हैं उसको इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा मिनट के लिए अच्छे तरह से लहसुन का जो कच्चापन हल्का सा चला जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको भुनाई करेंगे। देखिए अब लहसुन भी हल्का सा कच्चापन खत्म हो चुका है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी कटी हुई बारीक प्याज शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे तरह से 1/2 मिनट के लिए अच्छे तरह से सॉटे करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे तरह से हमें भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक ये प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन है और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक इसके अंदर में जो और एक मसाला जाएगा जो होगा दही का। दही यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये कच्चा जीरा पाउडर है, आप चाहे तो भुना जीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे और इस सबको अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से मिक्स कर लिए। अब चलिए अब हम देखते हैं प्याज क्या हुआ। देख अब हमारी प्याज भी अच्छी तरह से लाल हो चुकी है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा बनाया हुआ दही का मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरह से चलाते हुए इसको तब तक भुनेंगे जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा कस्तूरी मेथी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर इसको भी डाल के अच्छे तरह से हम हिलाते हुए 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे स्वाद अनुसार और इसको डाल के अच्छे तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए देखिए अब हमारा दही का ये कलर भी चेंज हो गया है और ये लगभग थोड़ा सा सूखने लगा है। अब इसे ढककर धीमी आंच में 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, एक फ्राई पैन बिठाएंगे और इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच तेल शामिल करेंगे। थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और 2 चम्मच इसमें शामिल करूंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो मैरिनेट किया हुआ भिंडी को इसमें डालेंगे और इसको अच्छे तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से भुनाई करेंगे, पहले हाई फ्लेम पे करेंगे उसके बाद थोड़ा सा लो कर देंगे, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो जल जाएगा, भिंडी कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से हम हलाते हुए 4 से 5 मिनट में हमारी भिंडी लगभग पक गई है
अब इसको मैं थोड़ा सा ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुका है, अब मैं खोल के देखूंगी। देखिए अब हमारी भिंडी भी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और लगभग ये पक चुकी है। देखिए मैं आवाज़ भी सुनाऊंगी, देखिए इसका कड़कपन भी है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा मसाला देखते हैं क्या हुआ है। देखिए अब हमारा मसाला भी अच्छी तरह से लगभग ये सूख चुका है और अच्छा सा एक स्मूदी पेस्ट की तरह बन गया है। तो अब इसमें हम तली हुई भिंडी को इसमें शामिल करेंगे, उस पर हमारा धनिया पत्ते को भी बारीक कटा हुआ उसको शामिल करेंगे। हमारा फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। देखिए अब हमारी भिंडी लगभग 15 से 20 मिनट में हमारी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है, मसाला भिंडी। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं गरम गरम। देखिए कुछ इस तरह से देखते ही मुँह में पानी आ गया ना। ये बहुत ही स्वादिष्ट की सब्जी बनती है और ये आप रोटी से या चावल से आप इसे मज़ा ले सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको मेरे साथ कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मैं आप सबसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। वाह क्या स्वाद है।